नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा अपने YouTube चैनल पेंट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बहुत खास इतनी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बात करता हूँ कि हम लोग गाड़ी के पेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कार का पेंट हम लोग मार्केट में जाते हैं, कार का पेंट कराते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है जो हम लोग नहीं जानते। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। देखो, जब गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बच्चों ने स्क्रैच डाल देता है कोई, या पुरानी हो जाती है गाड़ी, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हम लोग कार पेंटर के पास जाते हैं। कार पेंटर के पास जाते हैं तो बात करते हैं कि सर ये पैनल है और ये पैनल कितने का है और कितने में पेंट होगा, कैसे है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में और उसके मैचिंग के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जो सामने दिखता है बस उसको एक्सेप्ट करके और चले जाते हैं, तो बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग पूछते ही होंगे, बहुत पूछते होंगे लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी पेंट के बारे में कि गाड़ी के ऊपर जो पेंट लगता है वो कौन सी कंपनीज का मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मैं उसमें से एक आपके लिए खास कंपनी लेके आया हूँ, एक निकॉन पेंट्स, जो NMAX SB के नाम से इनका मशीन आती है। निपॉन पेंट्स के बारे में बात करें तो एशिया के अंदर इनका बहुत बड़ा सेटअप है, अच्छी कंपनी है, डेकोरेटिव में है, वुड फिनिश में है, ऑटोमोटिव में भी है। तो मेनली हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज फेमस हैं कार पेंट्स के बारे मामले में। देखो, आप जानते होंगे जर्मन और जापानीज टेक्नोलॉजी फेमस है। जर्मन की गाड़ीज आती हैं, BMW होगी, जैगुआर वगैरह वगैरह, तो ये कंपनीज जर्मन टेक्नोलॉजी है, तो उसके ऊपर पेंट भी ऑब्वियसली जर्मन ही लगेगा। ऐसे ही ये जैपनीज टेक्नोलॉजी पे है, जापान की कंपनी है निपोन, तो ये जैपनीज टेक्नोलॉजी पर पेंट बना हुआ है। अब बात करते हैं कि इस पेंट को लगवाने के बाद आप क्या कुछ अलग महसूस कर सकते हैं, कि क्या चीज़ इसमें आपको अलग मिलेगी। देखो, सबसे ज़्यादा पहली बात है कि कंपनी डे टू डे, पैनल टू पैनल, जैसे जैसे नई गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं मार्केट के अंदर, तो उस कंपनी उसका कलर मार्केट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो डे बाय डे इनके मार्केट्स के जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है उनके कलर्स जल्दी से जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और प्लस 100% मैचिंग के साथ। क्यों, जो फॉर्मुलेशन कंपनी हमें देती है तो वो जो है ना, कि फॉर्मुलेशन जो कंपनी दे रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है गाड़ी के, आजकल बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल अकॉर्डिंगली आ रही है। निपॉन पेंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है मैचिंग के मामले में। अब बात करते हैं कि इसकी लाइफ क्या होगी। देखो, लाइफ जो है ना कि डिपेंड करती है कंपनी के नॉर्म्स के ऊपर। अगर पेंटर काम कर रहा है, अगर कंपनी के नॉर्म्स जो हैं कि ये प्राइमर लगाना चाहिए, ये टॉप कोट लगेगा, ये पुट्टी लगेगी, तो उसके अगर नॉर्म्स के हिसाब से काम करे पेंटर, तो कम से कम 10 साल तो कहीं नहीं जाता पेंट, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब बात करते हैं कि चलो पेंट कैसा होगा। पेंट का जो स्प्रे करता है, जब पेंटर पेंटर स्प्रे करेगा, तो जो एक्चुअल कलर होगा ना हमारा, जो गाड़ी शोरूम फिनिश से बाहर निकलता है, जैसे गाड़ी शोरूम में देखते हैं हम, तो वही फिनिशिंग आपको इस पेंट के अंदर मिलने वाली है। जो इसका जो स्पार्कल है, इसका पेंट है, इसकी जो ग्लोस है, वो सारी चीजें बिल्कुल अप टू डेटेड है कंपनीज के नॉर्म्स के हिसाब से। अब बात करते हैं कि देखो, चमक, कहीं कहते हैं लोग चमक कम होगी गाड़ी की, तो वो बात होती है टॉप कोट की। जो टॉप कोट पेंटर यूज करता है, जो हमारी एजेंसीज हैं कौन सा टॉप कोट यूज कर रही है। देखो, काफ़ी तरह के टॉप कोट्स आते हैं, जैसे हमारी ज़्यादातर हमारी जो गाड़ी आती है वो ग्लॉस में आती है, तो जो ग्लॉस फिनिश है वो काफ़ी तरह की है, बहुत वैरायटी है ग्लॉस फिनिश में। मार्केट के अंदर बहुत तरह की ग्लॉस आती है, बहुत स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लॉस आती है, एंटी क्लियर आती है, क्लिस्टर क्लियर आती है, अल्ट्रा ग्लॉस आती है, बहुत तरह की ग्लॉस आती है, उसके बारे में हम अलग ही बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारा पेंट के बारे में। देखो, गाड़ीज का पेंट तीन तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, एक पेंट होता है सॉलिड, जैसे हमारी वाइट गाड़ी होती है, बिल्कुल वाइट, जैसे वोक्सवैगन की गाड़ी है वो वाइट आती है, वो वन कोट सिस्टम होता है। बात करते हैं दूसरी, मेटेलिक गाड़ी आती है, जो ग्रे कलर की गाड़ी है, रेड कलर की है, गोल्डन कलर की है, जैसे ब्रेजा फेरी येलो कलर में आती है, तो वो मेटेलिक कलर्स में हम काउंट करते हैं। उसका कोटिंग होती है टू कोट सिस्टम, जिसमें क्या है कि एक पेंट लगेगा, सेकेंडली ग्लॉस लगेगा या मैट टॉप कोट लगेगा, वो टॉप कोट के हम बारे में बात करेंगे। फिर थर्ड आती है पर्ल वाइट, जैसे सफारी होगी, स्विफ्ट होगी, एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनीज की पर्ल वाइट गाड़ियाँ आती है, वो थ्री कोर सिस्टम होता है। पहला लगता है बेस, दूसरा लगता है पर्ल, और तीसरा लगता है ग्लॉस या मैट। अब हमने बात तो कर ली है कि तीन तरह के पेंट्स जो आते हैं हमारे पास, तीन तरह के, जो हमने बात कर ली सॉलिड की, मेटेलिक की, पर्ल वाइट की,
तो अब हम बात करते हैं कि पेंट बनता कैसे है, जो हम ये पेंट है ये हम बनाते कैसे हैं। जैसे अब एक्चुअल में क्या है, मैं प्रोसीजर बताता हूँ कैसे हम पेंट बनाते हैं। गाड़ी की आरसी होती है, गाड़ी की आरसी के ऊपर कलर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, जैसे एनएस वाइट, मेरी गाड़ी है जो एनएस वाइट कलर की है, जैसे सिल्की सिल्वर कलर हो गया, मैग्मा ग्रे कलर हो गया, ये सारे कलर्स के नेम आरसी के ऊपर आपके लिखे होते हैं। तो कंपनी हमें क्या करती है, उस आरसी के नेम पे, जैसे मैग्मा ग्रे कलर है तो मैग्मा ग्रे कलर का फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करती है कंपनी, और उस कंपनी का उस गाड़ी का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे मैग्मा ग्रे के काफी सारे वेरिएंट्स हैं, काफी सारे कलर हैं मैग्मा ग्रे, तो हर गाड़ी को फाइन ट्यून करके गाड़ी, मतलब उस गाड़ी का फॉर्मूला, जैसे हमारी वॉक्स वैगन ने गाड़ी निकाली और उसका शेड है PJW कलर है, ऐसे सारी गाड़ियों के कोड मेंशन होते हैं उसके ऊपर, आरसी के ऊपर, या फिर कलर मेंशन होता है गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी के साइड में, बोनट के नीचे, या फिर गाड़ी के साइड में आपके ना कोड लिखा होता है। तो वो उस कोड को कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, डाटा सारा वो फॉर्मुलेशन तैयार करके देती है। बिल्कुल कंपनी के जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, उस गाड़ी के हर कंपनी के पास फॉर्मुलेशन तैयार है, नई नई अप टू डेट तैयार है फॉर्मुलेशन। तो अब मैं बात अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हम पेंट बनाते कैसे हैं। मैं आपको मशीन के पास लेके चल रहा हूँ और उस मशीन में हम देखें कि पेंट बनता कैसे है, हम बनाते कैसे हैं। तो आओ चलते हैं। तो ये मशीन है, ये देख सकते हैं आप, ये मशीन है। इस मशीन में अलग अलग तरह के कलर्स लगे हैं, जैसे ये सिल्वर है, ये सिल्वर कलर है, ऐसे ये पर्ल कलर्स हैं, ऐसे ये इसके नीचे बीच में सारे कलर्स हैं। और ये हमारा वेइंग मशीन है, मेटलर का है ये इतना एक्यूरेट है कि इसमें अगर फूंक भी मारते हैं तो ये एक्यूरेसी दिखाता है। तो इससे हम बात करते हैं, ये हमारी फॉर्मुलेशन बुक है जो कंपनी ने दे रखी है। जैसे ये फॉर्मुलेशन है, जैसे ये बात करते हैं, देखो ये हुंडई का फॉर्मुलेशन है, ये सारे कलर्स लिखे हुए हैं, ये कलर्स जितने भी हैं ये इसमें से हम एक्यूरेट करके और इसके ऊपर यहाँ पर मशीन में कलर बनाते हैं। और जो जिस कलर की फॉर्मुलेशन हमारे पास नहीं होती, तो कंपनी ने शेड कार्ड्स दिए हुए हैं, इस शेड कार्ड्स के अंदर हम कलर मैच करते हैं। ये देख सकते हैं आप, कलर्स काफ़ी सारे कलर्स हैं, मेटेलिक कलर्स हैं, प्लेन कलर हैं, पर्ल कलर हैं। तो इस कलर से हम मैच करके यहाँ से इस कलर्स को बनाते हैं, और इसको बनाने के बाद हम लोग उसको फाइन ट्यून करते हैं कलर को। तो आप सबने देखा कि हम लोग कलर को बनाते कैसे हैं, फाइन ट्यून कैसे करते हैं, उसको फाइन ट्यून करते हैं कलर को, और उसके बाद पैनल टू पैनल मैचिंग करके हम उस कलर को मार्केट में दे देते हैं पेंटर्स को, जो पेंटर पेंट करता है। तो ऐसे हम कलर को मैच करते हैं, ऐसे कलर कंपनी, क्या क्या कंपनीज है हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आने वाली वीडियोज में मैं जो कार के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आगे दिखाऊंगा कि पेंट कैसे करते हैं और कैसे उसमें टॉप कोट लगता है, तो मैं वो सारी चीज़ें उसमें वीडियो में कवर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ।